अभी कोई संत तुम्हारा आशीर्वाद देते तो ऐसे पैर उठा के देते के हाथ उठा के देते ये हाथ ऊर्जा को ग्रहण करता है। ऊर्जा ग्रहण करने वाली किसी वस्तु को भी आप देखोगे, पैर को तो हाथ लगाओगे तो ही ऊर्जा मिलता है, उस पर ध्यान करोगे तो ऊर्जा मिलेगा, लेकिन महाराज जी हाथ ऐसे करते हैं तो ऊर्जा को आप में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आपको एक बात बताता हूं, एक बच्चे को कभी पेशाब लगे, दिस बॉय लाइक टू गो टू यूरिन, इमीडिएटली ही लूज दिस। आपने कभी सोचा कि भारत में हजारों, इंडिया कोई विश्व के कोई देशों में, एनी कंट्री इन द यूनिवर्स, ऑल फॉलोड दिस फ्रॉम इंडिया, इफ एनीबॉडी हैज द यूरिनेट प्रॉब्लम इमीडिएटली ही शोस दिस, बिकॉज दिस फिंगर अट्रैक्ट्स द वॉटर एलिमेंट फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको पता है, आज सीख लो, ये सीख लो, आपको लाइटली थोड़ा बोल रहा हूं, मेरे से बहुत लाइट बोलने के पास मेरे पास कुछ है ही नहीं कि बहुत लाइट बोलू, यही मेरे लिए लाइट, मैं बहुत लाइट कुछ नहीं बोल पाता हूं क्योंकि मैं बड़ा ही सीरियस सोचने वाला हूं, इसलिए मेरा लाइट यही है। हम कभी ऐसा करते हैं तो ये वॉटर एलिमेंट, वेन वी डू दिस वी इंडिकेट आवर स्टमक इज फिल्ड विथ वॉटर, आई हैव टू रिलीज दिस। If you need water element support, if you do this, you will get the water element energy in your body by the attraction of that element. समझ? ये से करने से आप में पानी की शक्ति बढ़ती है। आप ये सिखा सकते हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको पानी डाइजेस्ट नहीं होता है, घड़ी घड़ी पेशाब आता है, जो घड़ी घड़ी पेशाब आता हो उनको ऐसे टच करना चाहिए तो पेशाब घड़ी घड़ी आना 8 दिन में ही बंद हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और जिनको पेशाब नहीं लगता हो यहां दबाना चाहिए, ऐसे दबाना चाहिए, देन द यूरिन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, द डिक्रीशन ऑफ द यूरिन विल बी सॉल्व्ड बाय दिस, एंड द इंक्रीज्ड यूरिन विल बी बैलेंस्ड बाय दिस। ये है इस संसार में दुर्लभ उंगली जिससे हर आदमी यू यू करता है, मालूम ही नहीं है ना। अब दूसरी उंगली को मैं आज तक ये वीडियो में कहीं नहीं बोला, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, मैंने परसों एक चीज पर सर्च किया, मेरे को आज यहाँ बोलने मौका मिल गया, ये बोल दू तो फेसबुक में यूट्यूब में, ऐसा नहीं है कि यहाँ 15 लोग देख रहे हैं हम बहुत चिंता नहीं करते, यहाँ 800 लोग देख रहे हैं हम बहुत चिंता नहीं करते, अभी 1000 लोग बैठे हैं हम बहुत चिंता नहीं करते, हमको मालूम है कि ये जब लाइव हो जाएगा यूट्यूब में तो पहले हम देखे कि भाई 1 घंटे में हमने भी लाइव किया, 650,000 लोग 1 घंटे में देख लिए उस वीडियो, हमको वही उस पूरी दुनिया के लिए बोलता हूं कि उनका भला उनका कल्याण। तो आज आपको बताता हूं कि हम क्यों करते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप में इमोजीज हैं, इमोजीज, यू सेंड इमोजीज, but you are wrong. Why? When you have a good news, when you have a great news, when you have any success, when you have promotion, you do this. But when we have to do that, because this is the finger of fire element. हम क्या बोलते हैं लोगों को, इसमें एक फायर ऐसा पनप रहा था साहब कि आखिर जीत के ही रहा, इसमें इसके अंदर ऐसा फायर आग लग गया इसके अंदर, बोलते हैं कि नहीं, जब आग लगेगी आपके अंदर तो ही आप जीत पाओगे, अगर आपके अंदर आग नहीं लगेगी तो जीतना संभव नहीं है। हर सक्सेस के पीछे फायर होता है, तो सक्सेस होने के बाद ऐसे नहीं दिखाना, अगर आप कुछ कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, सक्सेस, प्रमोशन, हैप्पीनेस, गुडनेस इन लाइफ, तो रोज 2 मिनट ऐसे करो जो नहीं पाया हो आप पा लोगे, पहले करना चाहिए, लोग बाद में करते हैं। When you send the emojis, after getting a good news, after getting a success, after getting a promotion, but if you do that previously, there will be a 100% success rate to get your ambition. Yes, your finger, fire finger. शरीर में गर्मी कम हो, बच्चे को सर्दी घड़ी घड़ी लगता है ना माता जी,
तो उसको यूं 2 मिनट कराना तो पूरा फायर एनर्जी शरीर में आते ही, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करने वालों को सर्दी की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है जब वो ऐसे करते हैं, तो एनफ हीट कम्स इन द बॉडी, ऑटोमेटिकली बॉडी विल बी बैलेंस्ड विद द कोल्ड, द कोल्ड डिजीज विल नॉट कम इन दैट पीपल। किसमें? जो ऐसे करते, वो जीतने के बाद करने की मुद्रा नहीं, लोग नहीं जानते हैं कि जीतने के बाद करने की मुद्रा नहीं है, ये जीतने के लिए करने की मुद्रा है। ये कर ले तो वो जीतेगा। इतना पूर्ण ज्ञान वही है, इतना ध्यान रात दिन ध्यान लगा दें। और अब देखो तीसरी उंगली का हम कैसे यूज करते हैं। क्या भाई, हम तीसरी उंगली का कैसे यूज करते हैं? ऐसे। हाँ, ये क्या उंगली है? ये वायु की उंगली। क्या उंगली है? वायु। किसी को दिखाने के लिए ऐसे करते हैं तो जिसको दिखाया उसके अपने बीच में वायु का डोरा जाता है, वो कितना भी दूर हो ऐसे दिखाते हो तो वो कनेक्ट होता है। अगर जिसके वायु एलिमेंट एकदम स्ट्रांग हो, वो अगर ऐसे कर दिया तो वो वहीं से मुड़ के देखेगा, क्योंकि यहां से वो एयर एलिमेंट का थ्रेड जाके उसको टच करेगा और वो जरूर वापस मुड़ के देखेगा। इसलिए हम इसी उंगली से दुनिया को देखते हैं, ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? व्हेनेवर यू लाइक टू शो समबडी व्हाट यू विल डू, why we do this, why don't we do this, why don't we do this, why don't we do this, why we do this, बहुत भारत में सिद्धांत भरे पड़े हैं। हाँ, ऐसे क्यों करते? वायु की उंगली है, इसमें से हवा निकलती है, पानी निकल नहीं सकती, वो मात्र ऊर्जा है, आग निकल नहीं सकता, ऊर्जा है, पृथ्वी निकल नहीं सकती, ऊर्जा है, आकाश निकल नहीं सकता, लेकिन हवा का ये तरंग सामने वाले तक पहुंचता है। किसी को भी दिखाते हैं, वायु की उंगली होने से दिखाते, ये अग्नि की उंगली होने से ऐसे दिखाते, अब ये उंगली कहीं नहीं दिखाते क्योंकि पृथ्वी की उंगली है, पृथ्वी नीचे रहती तो इस पृथ्वी को स्ट्रांग करने के लिए ये पृथ्वी की उंगली है। क्या उंगली? पृथ्वी की उंगली मीन्स अर्थ एलिमेंट। टू इंक्रीज द अर्थ एलिमेंटल फोर्स we wear the golden rings in this finger because the gold comes from the earth and the highest electromagnetic energy is in the gold. So when you wear the gold ring, your finger will increase the earth element energy and your body will get the potentiality to live the life with a stability. इससे क्या करते हैं? पानी को, पानी को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। देखो ज्यादा हो तो इधर दबाना, कम होता है, हाँ? कम हो तो इधर दबाना, बैलेंस होता है। इधर अंगूठी पहनते हैं, गोल्ड का ही पहनते हैं, क्योंकि गोल्ड का ही पहनना चाहिए। इधर अगर गोल्ड का पहनते हो तो अपने आप एलिमेंट का फोर्स आपके अंदर बढ़ने लगता है, आपका पावर। सब लोगों को एक गोल्ड रिंग तो इधर पहनना चाहिए, तो इंक्रीज द एलिमेंटल फोर्स यू वेयर ऑन दैट, इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अर्थ एलिमेंट बिकॉज इट इज द पावरफुल एलिमेंट फ्रॉम द अर्थ। तो ये पहनते हैं टू एनर्जाइज करने। अब देखो इसके अंगूठी पहन के इसका उपयोग करते हैं, इसको दिखा के उस वायु की ऊर्जा से सामने वाले तक जाके संपर्क करते हैं हम। इससे हम अपनी सफलता की आग को बढ़ाते हैं। वो आग नहीं, वो इफ यू डोंट हैव फायर यू विल नॉट प्रमोट यूर लाइफ इन एनी पर्पस। इफ यू लाइक टू इंक्रीज यूर लाइफ पर्पस यू हैव टू डू दिस 1 मिनट एवरी डे। इफ यू डू दिस automatically the fire will increase in your mind, you will run behind your destinations. The last, if you see nobody will do this, you do this, nobody uses this finger in at any cost, but it has a very secret powerful purpose. इस देखो, इस उंगली को हम वाटर बैलेंस के लिए लगाते हैं,
इस उंगली को फायर इंक्रीज करने लगाते हैं, इस उंगली से एयर एलिमेंट से किसी को भी साइकोलॉजिकली टच करने के लिए ऐसे करते हैं। खाली हम इशारा, यू थिंक दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ दैट पर्सन, दिस इज नॉट इंडिकेशन, दिस इज टचिंग द पर्सन विद अ विंड थ्रेड। वी डोंट रियलाइज इफ यू डू दिस कंटिन्यूअसली फॉर 1 month और 2 month एवरी डे फॉर 10 people, विद इन अ मंथ यू कैन सी व्हेन यू डू दिस, he will see you automatically by turning his face. It will touch him. But if you see this finger, anybody can say what happens with this. This is a very secret finger. It shows the space element. What? Space element. What is the limit of the space? Unlimited. Earth has a limit because we have a measure of Earth. But can you measure the space element? No. How many planets are there? 9. Huh? There are billions. So, उस जमाने में इस उंगली के पर्पस को छुपा के रखा गया, रहस्यमय रखा। इस उंगली को सब अभी देखो, ऐसे करता है, ऐसे भी कर लेता है, ऐसे भी कर लेता है, उंगली पहन के ऐसे ऐसे दिखा भी लेता है, अंगूठी पहन के देखो मेरा अंगूठी, देखो मेरा अंगूठी, कभी ऐसे करता नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को था कि इस उंगली का अगर कोई पर्पस समझ लेगा तो वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, बहुत पावरफुल बन जाएगा, लाइक स्पेस अनलिमिटेड बन जाएगा। तो ये हरेक को नहीं देना चाहिए, जिसमें भक्ति हो उसको ही देना चाहिए, हरेक को नहीं देना चाहिए। तो इसको किसमें दिया? इस उंगली में जप माला डाल के ऐसे घुमाया जाता है, ये उंगली तब टच होता है जब जप करना है। पापियों को ये उंगली का प्रयोग ही बाहर में दिखाया ही नहीं, और सबको दिखाया कि जप माला इसी में डाल के ऐसे घुमाओ, जप माला इसमें डालने के बाद ये उंगली को ऐसे ऐसे करके रखते हो तो ऑटोमेटिकली स्पेस एलिमेंट की एनर्जी आपके अंदर हाई लेवल में इंप्रूव होने लगती है। जो जप करता है वो भगवान को पाता है, भगवान की तरफ विस्तृत शक्ति को पाके स्पेस की तरह पावरफुल हो जाता है।